वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सारणिक से रिलेटेड एक लास्ट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, और इस सारणिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं जो मैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, सारणिक का लास्ट रूल्स ये कहता है, यदि किसी सारणिक में चर निहित है, यदि किसी सारणिक में चर निहित है यानी कि चर टर्म्स अगर गिवेन है, तो इस अवयव चर एक्स में जो अवयव एक्स जो है वो बहुपद के फॉर्म में होगा, तो और एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर, एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है, तो एक्स माइनस ए उसका एक गुणनखंड होता है। ये एक सारणिक का लास्ट रूल्स ये कहता है कि अगर सारणिक में चर पद निहित है तो उस सारणिक में एक्स की वैल्यू ए रखने पर अगर सारणिक का मान शून्य हो जाता है, सारणिक मान शून्य हो जाता है, तो वो जो वैल्यू है उस बहुपद का गुणनखंड होगा, उस बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे आज दो क्वेश्चन दिए हुए, सारणिक दिया हुआ है एक सिंपल सी, हमें इसकी सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये सारणिक दिया हुआ है, सारणिक में हमें आपको ये ध्यान रखना होता है, 1 2 3 2 3 3 1 1 2, ये दिया हुआ है। सारणिक में हमको ये दिमाग में बैठाना होता है कि जिस नंबर का हमें लेना होता है उस नंबर का रो और पंक्ति हटा देना होता है, रो और पंक्ति को हमें हटा देना होता है, यानी कि रो को भी हटाना है और पंक्ति को हटाना, रो को आता है, रो और इस कॉलम को हमें हटा देना होता है, और बाकी जो नंबर बचता है उसको हमें ले लेना होता है। जैसे कि अगर हमने 1 का लिया, 1 की ये लाइन और ये लाइन हट जाएगी, तो बची हुई लाइन आपकी ये बचेगी, ये आपको लेना है। तो 1 का ले लिया हमने, 1 लिया और ये 3 1 1 2 ले लिया। और ये भी ध्यान रखना होता है, पहला टर्म्स प्लस में लेते हैं तो दूसरा टर्म्स माइनस का लेंगे, तो -2। अब हमें क्या लेना है, अब हमको ये वाला टर्म्स, अगर मैंने -2 लिया तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स हट जाएगा, तो आपका बचेगा कौन सा टर्म्स, 2 3 1 और 2। अब माइनस के बाद प्लस आता है, सारणिक में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। अब मैं प्लस लूंगा, 3 आ गया, लिया। अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन हटेगी और ये वाली लाइन हटेगी, आपका बचेगा क्या, 2 और 3, इधर 3 और 1 लेंगे। अब इसको निकालेंगे, तो सारणिक में जिस अवयव की वैल्यू निकालनी होती है, उस अवयव क्या, वो अवयव जो है जिस पंक्ति या कॉलम में होती है, तो वो पंक्ति या कॉलम को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी के जो अवयव बचते हैं, बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं, उसको हमें एक छोटे से सारणिक के फॉर्म में ले लेना होता है। अब यहाँ पे ये जो है तृतीय कोटि की सारणिक है, और ये जो है द्वितीय कोटि की सारणिक है, क्योंकि कोटि की संख्या तभी निकलती है जिस सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो वही उस सारणिक की कोटि मानी जाती है। अगर सारणिक में पंक्तियों की संख्या 3 है तो समझ जाइए कि उस सारणिक की जो कोटि होगी वो 3 है, और इस सारणिक में पंक्तियों की संख्या 2 है या स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसलिए इसकी कोटि भी 2 ही होगी। ये द्वितीय कोटि की सारणिक है। द्वितीय कोटि की सारणिक में भी वही प्रोसेस है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2, इसको हम प्लस लेंगे, ये माइनस लेंगे, प्लस अल्टरनेट, ये नेगेटिव, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है। तो हर सारणिक में बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैंने इसको प्लस लिया तो ये माइनस होगा, और ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 1 का लिया तो इसका आपस में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, और ये अगर मैंने इसको लिया तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, -2। अब ये देखिए
टू टू जा फोर और ये माइनस थ्री, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। अब प्लस थ्री वाला देखते हैं, ये आपका टू हो गया तो ये माइनस नाइन हो जाएगा। अगर मैंने प्लस लिया तो ये माइनस नाइन होगा तो इसलिए नाइन हो जाएगा। तो आपने इसमें से कोई भी कॉलम या पंक्ति हमें लेना होता है, इस तरीके से हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स में से वन गया फाइव और टू, फोर में से वन गया, फोर में से थ्री गया वन, तो आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे थ्री, टू में से माइनस नाइन जाएगा तो माइनस सेवन आएगा। ये अलजेब्रा मेथड से प्लस माइनस वाला हिसाब है, प्लस माइनस होता है तो माइनस हो, प्लस अगर माइनस है तो वो टर्म्स घटेगा, और प्लस प्लस है तो घटेगा, प्लस प्लस है तो ऐड होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा। अब ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे फाइव माइनस टू, अब ये देखिए मल्टीप्लाई है तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना हुआ, फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री, तो माइनस टू माइनस ट्वेंटी वन, माइनस माइनस जुड़ता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है, तो ट्वेंटी वन में से टू ऐड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस, तो ये घटेगा तो आ जाएगा आपका आंसर माइनस एटीन। तो इस सारणी का जो मान आएगा वो माइनस एटीन आएगा। तो सारणी का एक सिंपल सा सारणी था नंबर वाला, जिसके हमें वैल्यू ऐसे निकालने थे। अब यहाँ पे दिया हुआ एक सारणी कैसे सिद्ध करो कि वन 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 ए बी सी, दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी है, ए स्क्वायर दिया, ये आपको दिया हुआ है, और इसका आंसर हमें ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी, तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए हमें लाना है। तो यहाँ पे हमें रूल्स को फॉलो करना है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, आपको ये चीज लाना है। कैसे आएगा, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। कॉलम जो होता है वो इधर वाला होता है, ये वाला सी वन सी टू सी थ्री, ये वाला पूरा जो कॉलम सी वन है, ये वाला जो है कॉलम सी टू है, ये वाला जो है कॉलम सी थ्री है, इधर वाला जो है ये आर वन होता है, ये आर टू होता है, ये आर थ्री होता है, यानी कि इधर वाला जो टर्म्स होता है वो आर वन में होता है, और आर टू में ये वाला टर्म्स आएगा, और आर थ्री में ये वाला टर्म्स पूरा आएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है रूल्स के मुताबिक। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ रूल्स करना है, अब प्रॉपर्टी का रूल्स लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या रूल्स लगेगा, तो प्रॉपर्टी में यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में पंक्ति को दो, मतलब कोई भी पंक्ति को आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपस में उनके पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ दें या पहले पंक्ति को तीसरे पंक्ति के साथ जोड़ दें, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या पहले पंक्ति को दूसरे के साथ घटा दें या दूसरे पंक्ति को तीसरे के साथ घटा दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये सातवीं, ये रूल्स के मुताबिक है, ये सातवीं प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, तो वही मैं लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है हमको लाना है ए माइनस बी, इसको हमें ए माइनस बी करना है, तो क्या करेंगे, ए इस वाले टर्म्स को, इस वाले टर्म्स को घटा के हम इसमें रखेंगे। जैसे कि आप आपको बताते हैं, जैसे कि ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, C1 में C2 को घटा दिया और ऐड C1 कर दिया, यानी कि C1 और C2 किया, उसको C1 में कर दिया, रख दिया, फिर उसके बाद C2 को C3 के साथ घटाया और उसको हमने C2 के साथ रख दिया। ये चीज़ हमें करना है, अगर ये करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो गया, और उसके बाद ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा घटाने पे। तो यानी कि हमने कॉलम सी वन को कॉलम सी टू के साथ माइनस कर दिया और उसको हमने सी वन में रख दिया। उसी तरीके से कॉलम सी टू को, कॉलम जो सी टू है वो सी थ्री के साथ माइनस किया और उसको हमने C2 में कर दिया, तो 1 में से 1 गया 0 और B माइनस सी हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये 1 हो गया, ये C और सी स्क्वायर, ये बचा।
तो यानी कि इसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सातवीं प्रॉपर्टी लगी। अब बात आती है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे में टर्म्स में ए माइनस बी है और इसमें भी बी माइनस सी है और ये बी माइनस सी स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जीरो ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही चीज़ इसमें भी करना है बी माइनस सी बी माइनस सी बी प्लस सी, उसी तरीके से वन और सी और ये सी स्क्वायर ये किया। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है ये पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी में ये होता है अगर किसी भी पंक्ति या कॉलम में कॉलम मतलब स्तंभ में अगर किसी टर्म्स किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो सारणिक के मान में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे इस सारणी में a माइनस बी ए माइनस दिया है तो यानी कि a माइनस बी इस सारणी के मान में हमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह से इसमें भी b माइनस सी दिया है b माइनस सी दिया है तो ये वाला टर्म्स हम बाहर ले लेते हैं, तो यानी कि अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके सारणी के मान में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करेंगे a माइनस बी बाहर कर दिया b माइनस सी बाहर कर दिया तो क्या आएगा ये वन हो जाएगा ये a प्लस बी हो जाएगा, उसी तरह से ये वन हो जाएगा ये b प्लस सी हो जाएगा, ये वन c और ये सी स्क्वायर ये आएगा ऐसे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगी, प्रॉपर्टी यहाँ पे सारा इस चैप्टर का जो पांचवी प्रॉपर्टी लगी हुई है, पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो जो थी प्रॉपर्टी सातवीं लगी थी, यदि किसी पंक्ति को या स्तंभ पंक्ति या स्तंभ या किसी दूसरी पंक्ति के या दूसरी स्तंभ से आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो हो गई सातवीं प्रॉपर्टी। अगर किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में भी उसी नंबर के टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे इसमें a माइनस बी इसमें है मल्टीप्लाई, ये तो पहले से जीरो है, a माइनस बी का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो वैसे भी वो जीरो ही होगा, तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें है तो इसलिए a माइनस बी बाहर कर लिया, b माइनस सी दोनों में है इसलिए b माइनस सी बाहर कर लिया, इस तरीके से बाहर कर लिया तो ये वन हो गया ये वन हो गया। अब यहाँ पे ये जीरो है ये जीरो है, ये प्लस में है ये माइनस में है ये प्लस में है, हमको सिर्फ क्या चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए a माइनस बी बी माइनस सी, तो अगर हमें वन की वैल्यू चाहिए तो इसकी सारणी क्या निकलेगी, ये वाला कॉलम छोड़ के ये वाला कॉलम छोड़ के इसका ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति हमें छोड़नी होगी, तो बचेगा ये वाला टर्म्स, तो ये वाला टर्म्स हमें लेना है वन अपान ए प्लस बी और वन अपान बी प्लस सी लिया, ये ले लिया। अब बस इसको सॉल्व करना है a माइनस बी बी माइनस सी, अब इसमें वन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस होगा, इसमें भी ये द्वितीय कोटि की सारणिक है छोटा सा और ये वन का सहगुणनखंड होता है, अगर किसी भी अवयव का अगर हमें सहगुणनखंड निकालना है तो उस अवयव का या उस अवयव जो वो जो अवयव है जिस कॉलम या पंक्ति के अंतर्गत आता है उस अवयव के कॉलम को और पंक्ति को हमें इग्नोर करना होता है, बाकी की जो पंक्ति या कॉलम को हमें ले लेना होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया b प्लस सी माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा माइनस b, ये इसके साथ करेंगे आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस के साथ था तो ये b प्लस सी हो गया, ये माइनस के साथ होगा तो जब माइनस के साथ आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, अब a माइनस बी बी माइनस सी, अब यहाँ पे देखिए माइनस b प्लस b से कैंसिल ये हो गया c माइनस a। देखिए आपका इस तरीके से प्रॉपर्टी का रूल्स लगाते ही आपका ये रिजल्ट आ गया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a।
आपने इस समीकरण का LHS साइड लिया था और RHS साइड आ गया आपका, ये इस तरीके से प्रूव्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, सारणिक आपने गिवन, सारणिक से आपने सारणिक के माध्यम से ये वाला टर्म्स निकाला, तो ये सारणिक से ये वाला टर्म्स आया, तो ये आपका ये वेरीफाइड हो जाता है। तो आपने सारणिक के जो भी रूल्स आपको बताए गए थे वही रूल्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर, इसका जो जो निकालना था वो निकल रहा है। तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी, तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए, तो ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसलिए ये वेरीफाइड हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।